शैक्षिक उपग्रह प्रसारण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के प्रथम सेमेस्टर के प्रथम यूनिट भारत में चुनाव के प्रथम अध्याय सिस्टम्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन के चौथे व्याख्यान अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व में आपका व आपके प्राध्यापकों का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम ओम पाल राठी, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। प्यारे बच्चों, हमारा आज का विषय है अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व। इसके अंतर्गत हम आपको ये बताएंगे अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व की क्यों आवश्यकता है और अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयोग की जाती हैं। मुझे आशा है इस व्याख्यान के बाद आप अल्पसंख्यकों को जिन विधियों के द्वारा प्रतिनिधित्व दिया जाता है उन विधियों के गुण और दोष भली प्रकार समझ पाएंगे। प्यारे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे देश का मूल मंत्र है। यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों, जातियों, वर्गों, समुदायों के लोग रहते हैं। राजनीति वैज्ञानिक प्रारंभ से ही ये कोशिश करते रहे हैं समाज के सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों, सभी भाषा भाषियों को जनप्रतिनिधित्व प्राप्त हो। आम जो विधि प्रयोग में लाई जाती है साधारण बहुमत प्रणाली, एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र, इनके द्वारा प्राय अल्पसंख्यकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का कोई अवसर प्राप्त नहीं होता। इसका परिणाम ये निकलता है कि बहुसंख्यक वर्ग अपनी संख्या बल से कहीं अधिक स्थान विधानमंडल में प्राप्त कर लेता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था वर्तमान शासन प्रणाली सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रतिनिधित्व देने वाला शासन नहीं है, वह तो केवल बहुसंख्यकों का प्रतिनिधि शासन है। एक वास्तविक लोकतंत्र में प्रत्येक वर्ग को अपनी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। आई अनकोट इसी बात को ध्यान में रखकर राजनीति शास्त्र के विद्वानों ने अनेक चुनाव प्रणालियां विकसित की हैं जिनका उद्देश्य अल्पसंख्यकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिलवाना है। इसी का विस्तृत विवरण हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणालियों के द्वारा किस प्रकार अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। आमतौर से अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग करते समय हमारे दिमाग में तस्वीर खिंच जाती है कि मुसलमान, सिख, ईसाई, ये अल्पसंख्यक है। लेकिन प्यारे बच्चों, अल्पसंख्यक का ये सही मायना नहीं है। अल्पसंख्यक भाषा के आधार पर भी हो सकता है, एक विभिन्न संस्कृति के आधार पर भी हो सकता है, रीति रिवाजों के आधार पर भी हो सकता है। एक क्षेत्र में हिंदू बहुसंख्यक हो लेकिन किसी अन्य क्षेत्र में वो अल्पसंख्यक हो। सिख जो हैं पंजाब में बहुसंख्यक है लेकिन शेष भारत में अल्पसंख्यक है। हिंदू पूर्वोत्तर राज्यों में अल्पसंख्यक हैं, ईसाई वहां पे बहुसंख्यक हैं, शेष भारत में ईसाई जो हैं अल्पसंख्यक है। इसलिए अल्पसंख्यक को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के रूप में लेना पूर्णतया अनुचित है। हमारा अल्पसंख्यक से अभिप्राय ये है जिस भी प्रदेश में कम जनसंख्या वाला वर्ग है उसको हम अल्पसंख्यक कहेंगे। उनको प्रतिनिधित्व देना ही लोकतंत्र का सच्चा सिद्धांत है। इसके लिए मुख्य रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की दो प्रणालियां प्रयोग की जा सकती हैं। पहली प्रणाली है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और दूसरी है सूची प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व कैसे दिया जा सकता है? प्यारे बच्चों, पिछले व्याख्यान में भी मैंने आपको बताया था कि थॉमस हेयर ने 1859 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था प्रतिनिधियों का चुनाव, और इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया था। 1885 में सबसे पहले डेनमार्क में एक मंत्री एंड्रे ने इस विधि को कुछ सुधार के बाद सफलतापूर्वक प्रयोग किया। तब से इसे एंड्रे हेयर प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। एंड्रे हेयर प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को निम्नलिखित चरणों में लागू किया जा सकता है। सबसे पहले राष्ट्र को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है जिनमें 3 से 20 तक उम्मीदवारों का निर्वाचन किया जाता है। दूसरी चरण है प्रत्येक मतदाता को एक मत का अधिकार दिया जाता है परंतु उसे जितने स्थानों पर चुनाव हो रहा है उतनी वरीयताएं अंकित करने को कहा जाता है, अर्थात सर्वोत्तम प्रत्याशी के लिए 1 और उससे कम पसंदीदा प्रत्याशी के लिए वह 2 अंकित करेगा। तीसरा चरण है उम्मीदवारों को जीतने के लिए मतों की एक निश्चित संख्या में मत प्राप्त करने होते हैं।
जिसे ड्रुप पद्धति द्वारा एक सूत्र की सहायता से निकाला जाता है। इस निश्चित संख्या को हम कोटा भी कहते हैं। तो ये सूत्र है मतों की निश्चित संख्या अर्थात कोटा बराबर है कुल वैध मत बटे स्थानों की संख्या जमा एक एंड ऑन दी होल प्लस वन। यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में 10,000 मतदाताओं द्वारा 4 प्रत्याशियों का चुनाव किया जाना है तो मतों की निश्चित संख्या बराबर है 10,000 बटे 4 जमा एक एंड ऑन दी होल प्लस वन। तो ये 10,000 बटे 5 जमा एक और बराबर है 2001। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रत्याशी जब तक 2001 मत प्राप्त नहीं करेगा तब तक उसको विजय घोषित नहीं किया जाएगा। चौथा चरण है मतदान के बाद सबसे पहले प्रत्येक प्रत्याशी को प्राप्त प्रथम प्राथमिकताओं को गिना जाता है अर्थात कितने मतदाताओं ने किस प्रत्याशी को पहले स्थान पर रखा है। जो प्रत्याशी निश्चित संख्या अर्थात कोटा से अधिक मत हासिल कर लेता है उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद प्रथम प्राथमिकताओं की गणना समाप्त होने के बाद हम ये देखते हैं कि विजयी प्रत्याशियों को निश्चित कोटे से कितने मत अधिक मिले हैं। जैसे पिछले उदाहरण में मैंने बताया कि 2001 मतों का निश्चित कोटा है। अगर कोई प्रत्याशी 2001 मतों से ज़्यादा मत ले जाता है तो उसको विजयी घोषित कर दिया जाएगा और साथ ही उसके जो अतिरिक्त मत हैं 2001 से जो अधिक मत हैं उनको दूसरी प्राथमिकता वाले प्रतिनिधियों में बांट दिया जाएगा ताकि वो मत जो हैं व्यर्थ ना जाएं। जो प्रत्याशी दूसरी प्राथमिकताओं वाले मत प्राप्त होने के बाद निश्चित कोटा प्राप्त कर लेता है निश्चित संख्या से ज़्यादा मत हासिल कर लेता है उसे भी विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अगर इसी प्रक्रिया में इसी चरण में पूरे स्थानों पर प्रतिनिधियों का चुनाव संपन्न हो जाए तो आगे प्रक्रिया बंद कर दी जाती है। लेकिन अगर फिर भी कोई स्थान अविजित रह जाए तो फिर चौथी प्रक्रिया छंटनी की प्रक्रिया शुरू की जाती है जिसमें न्यूनतम मत प्राप्त प्रत्याशी के मतों को द्वितीय प्राथमिकता के आधार पर अन्य शेष बचे प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है और उसको निलंबित कर दिया जाता है। छंटनी की प्रक्रिया उस समय तक जारी रहती है जब तक कि आवश्यक संख्या में प्रतिनिधियों का चुनाव न हो जाए। अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों को लाभ कैसे होगा? प्यारे बच्चों, इस पद्धति का लाभ ये है कि अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाता अपने वर्ग के प्रत्याशी को ही प्रथम प्राथमिकता के आधार पर मत देंगे, अन्यथा अन्य राजनीतिक वर्गों के साथ चुनावी समझौता कर लेंगे और अपने प्रत्याशी के लिए मत प्राप्त कर लेंगे और उन्हें भी अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व जरूर मिल जाएगा। इस प्रकार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अब ये देखते हैं आप राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों में गठबंधन से अल्पसंख्यक वर्गों को भी लाभ हो जाता है। ये तमिलनाडु के चुनाव का आप चुनाव प्रचार देख रहे हैं दीवारों पे, जिसमें एक राष्ट्रीय दल और एक क्षेत्रीय दल जो है दोनों के लिए प्रचार किया गया है। दूसरी प्रणाली है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि है सूची प्रणाली। इसके द्वारा भी अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अर्थात सूची प्रणाली जो है इसमें कैसे अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सकता है, आओ इस पर चर्चा करें। सबसे पहले पूरे देश को सर्वप्रथम बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा। फिर प्रत्येक राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा जिसमें स्थानों की संख्या के बराबर प्रत्याशियों का नाम दिया जाता है। प्राय सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को पहले स्थान पर, उससे कम श्रेष्ठ को दूसरे स्थान पर और इस प्रकार योग्यता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों को तीसरा, चौथा, पांचवा आदि क्रमांक पर रखा जाता है। उसके बाद प्रत्येक मतदाता को स्थानों की संख्या के बराबर मत दिए जाते हैं अर्थात जितने प्रत्याशियों का निर्वाचन होना है प्रत्येक मतदाता को उतने ही वोट प्राप्त होंगे तथा प्रत्येक प्रत्याशी को एक मत देने को कहा जाता है। सूची प्रणाली की यह विशेषता है कि इसमें मतदाता व्यक्तिगत प्रत्याशी के पक्ष में मतदान न करके समस्त सूची के पक्ष में वोट देता है। कई यूरोपीय देशों में ये परंपरा है कि वो प्रत्याशी के नाम के आगे मतों को अंकित नहीं करते बल्कि राजनीतिक दल के नाम से ही सभी वोटों को दे देते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें एक शर्त है कि कोई भी मतदाता अपने सभी मत जो हैं एक प्रत्याशी को नहीं दे सकते, ये बंदिश है। सूची प्रणाली में भी जीतने के लिए मतों की एक निश्चित संख्या ड्रुप पद्धति के द्वारा सूत्र द्वारा निकाली जाती है। जैसे
10,000 मतदाताओं द्वारा मान लो 7 प्रत्याशियों को चुना जाना है, तो मतों की निश्चित संख्या इस प्रकार होगी, मतों की निश्चित संख्या या कोटा बराबर है कुल वैध मत बटे कुल स्थान जमा एक ओन दी होल प्लस वन, बराबर है 10,000 बटे 7 जमा एक ओन दी होल प्लस वन, 10,000 बटे 8 जमा एक, 1250 जमा एक 1251। इस प्रकार मतगणना के लिए दलों की सूची में पड़े सभी मतों का योगफल करते हैं। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में प्रत्येक प्रत्याशी के वोटों को अलग अलग जोड़ा जाता है, लेकिन सूची प्रणाली में सभी प्रत्याशियों के मतों का जोड़ करके राजनीतिक दल को कितने मत प्राप्त हुए ये हिसाब लगाया जाता है। अगर 10,000 मतदाताओं में से 7 स्थानों के लिए मान लो 5 राजनीतिक दलों को निम्नलिखित मत प्राप्त होते हैं, उदारवादी दल को 2510, समाजवादी दल को 1390, साम्यवादी दल को 3900, अनुदारवादी दल को 1028 और मजदूर दल को 1172। अतः उदारवादी दल को 2510 बटे निश्चित कोटा अर्थात 1251, इससे भाग दे के अगर हम देखें तो 2 पे भाग होता है, और समाजवादी दल को प्राप्त मत है 1390, उसको 1251 पे भाग दें तो 1 पर भाग होता है, और साम्यवादी दल के 3900 को 1251 पे भाग दें तो भागफल 3 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि साम्यवादी दल को 3 स्थान प्राप्त हुए, उदारवादी दल को 2 स्थान प्राप्त हुए और समाजवादी दल को केवल 1 स्थान प्राप्त हुआ। अब यदि साम्यवादी दल की सूची में 7 नाम हो, क्योंकि 7 स्थानों के लिए चुनाव हो रहा है, तो साम्यवादी दल की सूची में स्वाभाविक रूप से 7 नाम होंगे। तो पहला नाम प्रकाश, दूसरा नाम सोमनाथ, तीसरा नाम सीताराम, चौथा नाम गुरुदास और पांचवा नाम वंदना, छठा नाम वधु और सातवां नाम सुरजीत। तो प्यारे बच्चों, आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन से 3 प्रत्याशियों को विजयी घोषित किया जाएगा। प्रथम 3 प्रत्याशी प्रकाश, सोमनाथ और सीताराम को विजयी घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार उदारवादी दल की सूची में से प्रथम 2 और समाजवादी दल की सूची में से पहले प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार विजयी होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या हो गई 3 जमा 2 जमा 1 5 और 1 6। लेकिन चुनाव 7 स्थानों के लिए हुआ था, इसका मतलब 7वां स्थान अभी तक अविजित है। इसके परिणाम हेतु 2 विधियां अपनाई जाती हैं। पहली विधि के अनुसार ये स्थान सबसे ज्यादा मत प्राप्त करने वाले दल अर्थात साम्यवादी दल को मिल जाएगा, और दूसरी विधि ये है कि मत इसके अंतर्गत किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से अपने मतों का स्थानांतरण इस निर्वाचन क्षेत्र में करवाने पर यदि कोई दल निश्चित संख्या प्राप्त कर लेता है तो वह स्थान उसी दल को प्राप्त होगा। यदि मजदूर दल अन्य क्षेत्र से 79 मत यहाँ परिवर्तित करा ले तो उस स्थान पर उसका प्रत्याशी जीत जाएगा, क्योंकि निश्चित संख्या प्राप्त करने के लिए उसके मतों में केवल 79 मतों की ही कमी है। इसी प्रकार इस निर्वाचन क्षेत्र से मतों का परिवर्तन अन्य चुनाव क्षेत्रों में भी हो सकता है। अगर कोई राजनीतिक दल को किसी अन्य बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में जीतने की प्रबल संभावना है, थोड़े से मतों की कसर है, कमी है, तो इस निर्वाचन क्षेत्र के अपने अतिरिक्त मतों को दूसरे बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तित करा कर वहाँ पर 1 स्थान या 2 स्थान प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार सूची प्रणाली द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सूची प्रणाली से अल्पसंख्यकों को लाभ किस प्रकार हुआ। प्यारे बच्चों, सूची प्रणाली का लाभ ये है कि अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाता अपने सभी मतों को एक मुश्त अपनी पार्टी को देंगे और अन्य छोटे दलों के साथ समझौता करके विधान पालिका में प्रतिनिधित्व हासिल कर लेंगे। इस प्रकार जो है अपनी पार्टी को अधिक से अधिक मत देकर अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाता या किसी अन्य दल से समझौता करके अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाता अपना स्थान विधायिका में सुनिश्चित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये विधि इजराइल, बेल्जियम, स्वीडन और इटली में खूब प्रचलित है। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व की अन्य विधि, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जटिल है, आम मतदाताओं के लिए सहज बोधगम्य नहीं है। विस्तृत क्षेत्रफल और विशाल जनसंख्या वाले देशों में इस प्रणाली को लागू करना भी कठिन है।
इसलिए अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ गैर आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधियां भी प्रयोग की जाती हैं। जहां मतदाता वर्ग निर्वाचक गण शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, वहां पे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और सूची प्रणाली सहजता से लागू की जा सकती है। लेकिन अन्य देशों के लिए जो अल्प विकसित हैं या अविकसित हैं, जहां का मतदाता इतना पढ़ा लिखा नहीं है, वहां के लिए भी कुछ विधियां राजनैतिक वैज्ञानिकों ने विकसित की हैं। अब हम उन सभी विधियों को मिलाकर देख सकते हैं कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की कुल विधियाँ हो गई 10। पहली विधि है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जिसकी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। नंबर 2 सूची प्रणाली, जिसकी चर्चा भी समाप्त हुई है। 3 सीमित मत प्रणाली, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। 4 संग्रह मत प्रणाली, द्वितीय मत प्रणाली, वैकल्पिक सहायक मत प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, स्थानों का आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन, बहुल मताधिकार प्रणाली तथा मनोनयन। आइए अब इनकी भी जानकारी प्राप्त करें। प्यारे बच्चों, सीमित मत प्रणाली को लागू करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं जरूरी हैं। 1, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होना जरूरी है। ये केवल उसी निर्वाचन क्षेत्र में लागू की जा सकती है जहां 3 या 3 से अधिक सदस्यों का चुनाव किया जाना हो। 2, मतों की संख्या स्थानों की संख्या से कम होती है। सीमित मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता को जितने मत दिए जाते हैं वो कुल विजय प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों की संख्या से 1 या 2 कम होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में 6 सदस्य निर्वाचित किए जाने हैं तो प्रत्येक मतदाता को अगर 6 मत दे दिए तो बहुसंख्यक वर्ग 6 के 6 स्थानों पर कब्जा कर लेगा, इसलिए उनको 4 से 5 मतों का अधिकार दिया जाता है। अगर वो सारे के सारे मत भी अपने प्रत्याशियों को दें तो भी वो 4 से 5 ही जीत पाएंगे, 6ठा स्थान अल्पसंख्यकों के लिए बच रहेगा। इस विधि का ये फायदा है, इसका परिणाम ये निकलता है कि बहुमत वर्ग को 4 या 5 स्थान प्राप्त होने पर अल्पमत वर्ग को कम से कम 1 या 2 स्थान जरूर हासिल हो जाएगा। 3 शर्त ये है इस पद्धति में कि सभी मत एक प्रत्याशी को नहीं दिए जा सकते, प्रत्येक मतदाता को अपने मत भिन्न भिन्न प्रत्याशियों को बांटने पड़ते हैं। सभी मत एक प्रत्याशी को नहीं दिए जा सकते, यही इस प्रणाली की सीमा है, इसलिए इसको सीमित मत प्रणाली कहते हैं। ये प्रणाली लोकप्रिय नहीं हो सकी, यद्यपि जापान तथा इटली ने इस प्रणाली को अपनाया था, परंतु दोषपूर्ण होने के कारण इसे त्याग दिया गया था। 4 विधि है संग्रह मत प्रणाली। इस प्रणाली को निम्न चरणों में लागू किया जा सकता है। पहली वही शर्त है जो सीमित मत प्रणाली में थी, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। 1 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में इस विधि को लागू नहीं किया जा सकता। 2 है उतने मत जितने स्थान। इस विधि में प्रत्येक मतदाता को उतने मत डालने का अधिकार दिया जाता है जितने प्रत्याशियों का निर्वाचित होना है। यदि 4 प्रत्याशियों का चुनाव होना है तो प्रत्येक मतदाता 4 मत डालेगा। 3 शर्त है सब मत एक ही स्थान पर या बांट कर डाले जा सकते हैं। प्यारे बच्चों, सीमित मत प्रणाली से ये प्रणाली इस मामले में भिन्न है कि संग्रह मत प्रणाली में कोई मतदाता अपने सभी मत एक ही प्रत्याशी को भी दे सकता है और अनेक प्रत्याशियों में बांट कर भी दे सकता है। मतों का केंद्रीकरण या विभाजन मतदाता की इच्छा पर निर्भर करता है। इससे अल्पसंख्यकों को क्या लाभ मिलेगा? इस प्रणाली में अल्पसंख्यक अपने कम प्रत्याशी खड़ा करके अपने सब मत किसी 1 या 2 प्रत्याशियों को देकर 1 या 2 स्थान प्राप्त कर सकेंगे। 5वां है द्वितीय मतदान प्रणाली। 5वीं विधि में अनिवार्यताएं क्या हैं? 1, 1 सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। द्वितीय मत प्रणाली वहीं लागू की जा सकती है जहां 1 निर्वाचन क्षेत्र से केवल 1 ही व्यक्ति निर्वाचित किया जाएगा। 2, 1 व्यक्ति 1 पद। दूसरी अनिवार्यता है कि इस प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को केवल 1 मत का अधिकार दिया जाएगा। और 3 अनिवार्यता है स्पष्ट बहुमत प्राप्त प्रत्याशी ही विजयी। ये प्रणाली में ये अनिवार्य शर्त है कि जब तक स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो जाए। स्पष्ट बहुमत का क्या अभिप्राय है? स्पष्ट बहुमत से अभिप्राय है 50% से अधिक मत। जब तक किसी प्रत्याशी को कुल वैध मतों के आधे से अधिक मत प्राप्त नहीं होंगे तब तक उस प्रत्याशी को विजयी घोषित नहीं किया जाएगा। जैसे उदाहरण से 1 क्षेत्र में 10,000 मत पड़े हों तो 5,001 या अधिक मत प्राप्त करने पर ही उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाएगा।
चौथी व्यवस्था है इसमें पुनर्मतदान की व्यवस्था। यदि कोई भी प्रत्याशी स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना कर सके तो सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निलंबित करके शेष प्रत्याशियों के मध्य पुनर्मतदान कराया जाता है, अर्थात दोबारा चुनाव होता है। उदाहरण स्वरूप यदि 10,000 मतों में से 4 प्रत्याशियों को क्रमशः 4100, 3900, 1800 और 200 मत मिले तो घय को निलंबित कर दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रत्याशी को 5001 से ज्यादा मत नहीं मिले। और कै खै गए के बीच में फिर मतदान होगा, इनमें से जो प्रत्याशी स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर लेगा उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। अगर फिर भी स्पष्ट मतदान ना प्राप्त हो तो पुनर्मतदान की प्रक्रिया एक बार फिर दोहराई जाएगी। इस विधि के द्वारा भी अल्पसंख्यकों को जनप्रतिनिधित्व मिलने की संभावना रहती है। छठी विधि है वैकल्पिक सहायक मत प्रणाली। इस प्रणाली के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाओं का होना जरूरी है। नंबर एक, एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र। एक क्षेत्र से केवल एक प्रत्याशी ही चुना जाएगा, तभी वैकल्पिक सहायक मत प्रणाली लागू हो सकती है। दूसरा, एक व्यक्ति एक मत। इस प्रणाली में एक व्यक्ति को एक ही मत का अधिकार दिया जाता है। तीसरा, जितने प्रत्याशी उतनी प्राथमिकताएं। इस प्रणाली में एक व्यक्ति को यद्यपि एक ही मत का अधिकार दिया जाता है, परंतु वह उतनी प्राथमिकताएं दे सकता है जितने उस निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी हैं। प्यारे बच्चों, आपको याद हो गया होगा यही विधि जो है, यही शर्त जो है, एकल मत संक्रमणीय प्रणाली में भी लगाई जाती है। उदाहरण के लिए अगर एक स्थान पर 4 प्रत्याशी हों तो मतदाता 4 प्राथमिकताएं दर्ज करेगा। चौथी शर्त है केवल प्रथम प्राथमिकता की गणना। इस विधि में केवल पहली प्राथमिकता को ही गिना जाता है। यद्यपि मतदाता ने कई प्राथमिकताएं अंकित की हैं, परंतु गणना केवल पहली पसंद की ही होती है। पांचवी शर्त है स्पष्ट बहुमत वाला प्रत्याशी ही विजयी होगा। इस प्रणाली में साधारण बहुमत वाला प्रत्याशी नहीं जीत सकता, केवल स्पष्ट बहुमत वाला प्रत्याशी अर्थात 50% से अधिक मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी ही विजयी घोषित किया जाएगा। छठी शर्त है प्राथमिकताओं के आधार पर मतों का परिवर्तन। यदि किसी प्रत्याशी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो सबसे कम मत प्राप्त प्रत्याशी को निलंबित करके उसके मत दूसरी प्राथमिकता वाले प्रत्याशियों में अर्थात उसको जो वोट प्राप्त हुए हैं उसके मत पत्रों को पढ़ा जाएगा, ये देखा जाएगा कि उसको वोट देने वाले मतदाताओं ने दूसरे नंबर पर किस प्रत्याशी को रखा है और वो वोट जो है दूसरी प्राथमिकता वाले प्रत्याशी को प्राप्त हो जाएंगे। ये प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक कि एक प्रत्याशी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर लेता और विजय घोषित नहीं हो जाता। इस प्रकार इस विधि में भी अल्पसंख्यक क्योंकि अपने प्रत्याशी को मतदान करेंगे उसके प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना प्रबल है। सातवीं विधि है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है, इस प्रणाली को सबसे पहले अंग्रेजों ने हमारे देश में लागू किया था। इस प्रणाली में मतदाताओं को धर्म के आधार पर भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक मतदाता अपने ही धर्म के किसी प्रत्याशी को वोट दे सकता है। दूसरे शब्दों में इसका अभिप्राय ये है कि हिंदू मतदाता हिंदू प्रत्याशी को, मुसलमान केवल मुसलमान प्रत्याशी को ही मत दे सकेगा। 1909 में मिंटो मार्ले सुधार के अंतर्गत विधानसभाओं में मुसलमानों को इसी विधि के आधार पर आरक्षित प्रतिनिधित्व दिया गया था। इसके बाद 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा इसी विधि को सिखों, ईसाइयों व एंग्लो इंडियनों के लिए लागू किया गया था। प्यारे बच्चों, ये विधि आज दुनिया के किसी भी देश में लागू नहीं की जा रही है। इसका महत्व केवल अध्ययन तक सीमित है। आठवीं विधि है स्थानों का आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन। स्वतंत्र भारत में इस प्रणाली को अपनाकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है। इस प्रणाली में चुनाव क्षेत्र संयुक्त होता है। संयुक्त का अभिप्राय ये है कि जब किसी चुनाव क्षेत्र से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रत्याशी खड़ा होगा तो उसके लिए केवल अनुसूचित जाति जनजाति के मतदाता ही मतदान नहीं करेंगे, फिर तो वो सांप्रदायिक प्रणाली हो जाएगी।
उसके लिए सभी मतदाता, सभी जातियों, धर्मों, समुदायों, वर्गों, भाषा भाषी सभी मतदाता जो हैं उसको मतदान करेंगे। इसका अभिप्राय है कि मतदान जो है संयुक्त होगा, अर्थात किसी भी चुनाव क्षेत्र में सभी वयस्क मतदाता बिना किसी भेदभाव के मतदान करते हैं, परंतु जिन निर्वाचन क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया जाता है उन पर केवल इन्हीं वर्गों के प्रत्याशी खड़े हो सकते हैं तथा उनका चुनाव सभी मतदाता करते हैं। पहले ये व्यवस्था सन 2000 तक की गई थी, परंतु अब इसे बढ़ाकर 2010 तक कर दिया गया है। नौवीं विधि है बहुल मताधिकार प्रणाली। इस प्रणाली में एक व्यक्ति कभी कभी एक से अधिक वोट देता है। प्यारे बच्चों, जो अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश हैं उनमें विधानसभा के ऊपर एक और सदन होता है जिसको हम विधान परिषद कहते हैं। दो मत डालने का कैसे मिलता है मताधिकार? मान लो वो आम विधान परिषद चुनाव के लिए भी मतदाता है और इसके अलावा वो किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा भी पास कर चुका है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से उसका एक वोट है और आम मतदाताओं की सूची में भी उसका वोट है। इस प्रकार वो बहुल मत प्राप्त मतदाता कहलाएगा और वो अपने दोनों मत डालता है। ऐसी प्रणाली को बहुल मताधिकार प्रणाली कहते हैं। बहुल मताधिकार प्रणाली किसी समय ब्रिटेन, भारत और जर्मनी में काफ़ी प्रचलित थी, परंतु अब ये प्रणाली जो है बहुत अधिक सीमित हो गई है। इसका लाभ अल्पसंख्यकों को ये पहुंचता था कि अल्पसंख्यक मतदाता यदि अगर उसे दो मत प्राप्त है तो दोनों मत वो अपने ही प्रत्याशी को देकर उसकी जीत सुनिश्चित कर सकता था। तो प्यारे बच्चों, दसवीं विधि है मनोनयन। अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कई देशों में मनोनयन का सिद्धांत भी अपनाया जाता है। यदि किसी अल्पसंख्यक वर्ग को साधारण चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता तो उस अल्पसंख्यक वर्ग के कुछ व्यक्तियों को सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि यदि साधारण चुनाव में एंग्लो इंडियन समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति इस समुदाय के लिए दो सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। कुछ राज्यों के राज्यपालों को भी एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राज्य विधानसभा हेतु मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। इसके बाद हम निष्कर्ष पर आते हैं। प्यारे बच्चों, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने की चर्चा आज दुनिया के सभी देशों में, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, एक धर्म तक सीमित नहीं है या एक भाषा तक सीमित नहीं है। अल्पसंख्यक कई प्रकार के हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अल्पसंख्यक का अर्थ मुस्लिम, सिख, ईसाई व पारसी नहीं होता। अल्पसंख्यक तो किसी भी आधार पर हो सकता है, परंतु अल्पसंख्यक धर्म पर आधारित ही नहीं, भाषा पर भी आधारित हो सकते हैं, संस्कृति पर भी आधारित हो सकते हैं, जन्म स्थान पर भी आधारित हो सकते हैं। भारतीय विधान पालिका में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए स्थानों का आरक्षण व मनोनयन विधियों द्वारा सहारा लिया जाता है। प्यारे बच्चों, पुनरावृत्ति के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की एक विशेषता बताओ। सूची प्रणाली अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व के लिए कैसी उपयोगी है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के गुण लिखो। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की दो विधियां बताओ। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किस प्रकार अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है? किस विधि में मतदाता सभी मत एक ही प्रत्याशी को डाल सकता है? किस विधि में मतदाता सभी मत एक ही प्रत्याशी को नहीं डाल सकता? किस विधि में प्रत्याशी की जीत के लिए मतों की संख्या निश्चित है? भारत में मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रणाली कब शुरू हुई थी? प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारा आज का व्याख्यान अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व यहीं पे समाप्त होता है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।